Hello friends, welcome you at Gyan Education. Basically जो अभी हम करने बताने जा रहे हैं वो है GNP और NNP, Gross National Product and Net National Product. ये दोनों काफी important हैं और काफी ज़्यादा exam पूछा जाते हैं और हमेशा एक confusion create करता है. तो इसे हम आज जो बिल्कुल एक आसान भाषा जो आम भाषा होती है उसमें समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए हम इसका स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले करते हैं जीएनपी. बेसिकली जीएनपी होता क्या है? जीएनपी द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री. जीएनपी क्या होता है? बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री. ये बात ध्यान रखेंगे आप. तो जीएनपी क्या होता है कि जो है मार्केट वैल्यू जितना आया, जो सभी गुड्स मतलब जितने भी गुड्स बनाए गए, प्रोड्यूस किया गया या सर्विसेज प्रोवाइड की गई, सॉफ्टवेयर बनाया, ट्रांसपोर्टेशन, तो सारा कुछ जो बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो जो वैल्यू आया मार्केट वैल्यू, ओके, और किसके द्वारा? रेसिडेंट, वैसे भारत, अगर भारत में जितने रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया गया, उसको क्या बोलेंगे? जीएनपी. अगर देखते इसमें, इसमें जो आता है, इट इंक्लूड द इनकम ऑफ दोज रेसिडेंट अर्न बाय द कॉर्पोरेशन ऑन ओवरसीज एंड फ्रॉम वर्किंग एब्रॉड. मतलब कि इसमें वो सारे रेसिडेंट, इंडिया के रेसिडेंट वो सारे आ जाएंगे जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं या इंडिया की कंपनी को बाहर जाकर काम कर रही है, वहां से कुछ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो है अर्न कर रही है, या एक फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही है, फिर कह सकते हो कि वहां पे कुछ प्रोड्यूस कर रही है और जब प्रोड्यूस की उसका वैल्यू क्रिएट होगा, तो ये हमारे लिए वो जीएनपी में काउंट होगा. इट आल्सो वन ऑफ द मेजर ऑफ नेशनल इनकम. और इसे हम क्या निकाल पाते हैं? नेशनल इनकम भी निकाल पाते हैं. तो जीएनपी अगर बात करें फॉर्मूला वाइज की, तो जीएनपी होता क्या है? जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हो गया कि जितना हमने जो बाहर से, मतलब इंडियन लोग, भारतीय लोग बाहर जाकर काम करके, मतलब इंडिया से बाहर जाकर पैसा कमाए, ओके, और जो इंडिया में बाहर के देश के लोग आकर कमाए, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. उससे मैं थोड़ा सा हम देखते हैं फॉर्मूला वाइज में भी. तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, तो क्या हो जाएगा कि यहां पे जो अपने जीडीपी में जो काउंट किया था और हम यहां पे जो जीएनपी में काउंट कर रहे हैं, तो दोनों में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एग्जांपल के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया का मोहन और राम यूएसए में काम करता है और वो जो है वहां पे कुछ सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो सॉफ्टवेयर की कुछ वैल्यू होगी, उसने प्रोड्यूस किया यूएसए में, लेकिन किसने किया? एक इंडियन ने किया, तो इंडियन रेजिडेंट ने किया. उससे सपोज करो कि आप उसने जो है $100 कमाया, $100 यूएसए में, ओके, ये यूएसए में कमाया. कौन कमाया? इंडिया का था, राम और मोहन का सूत्र, राम ने कमाया, ओके. अब इंडिया में क्या है कि एक जॉन, मतलब कह सकते हो कि इंडिया में एक जॉन नाम का पर्सन है, मतलब कि जो यूरोप का है, वो आकर इंडिया में काम करता है, ओके. उसने कुछ प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू क्रिएट हुई अराउंड
500 रुपये, या कह सकते हो कि 600 रुपये, अगर हम 600 रुपये ले लें तो ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा कि 600 रुपये हमारा लाभ हो गया $6 के आसपास। ये कितना हमारा है बेसिकली, 600 रुपया है, मतलब $6 के आसपास हो गया ये। तो हमारा अल्टीमेटली हमने कितना अर्न किया, तो $94 जो हो गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया। $94 हमारा क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बाहर। ओके, दिस इनकम इज एट द कॉस्ट ऑफ सम कैपिटल, व्हाट अबाउट इट्स डिप्रिसिएशन नीड टू बी एडजस्टेड। जो भी डिप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट कर देंगे, और इससे हमारे क्या निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर डिप्रिसिएशन को एडजस्ट कर देंगे, मास कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो एनएनपी इज डिफाइंड एज जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। क्या करते हैं हम, जीएनपी से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी। हियर इज द फॉर्मूला, सो वेरी इजी टू मेमोराइज, कि जैसे ही आप ग्रॉस से डिप्रेशन हटाओगे क्या आ जाएगा, आपका नेट निकल के आ जाएगा। ओके, और एनएनपी क्या है, इज अ मोस्ट कंप्लीट मेजर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाय अ कंट्रीज नेशनल्स, दो इट इज मेजर्ड एज एट मार्केट प्राइस। और एनएनपी क्या है, एक कंप्लीट मेजर है कि एक इंडिया मतलब राष्ट्रीय लोग, मतलब एक देश के लोग कितना प्रोड्यूस रियल में किया, क्योंकि मार्केट प्राइस पे किया जाता है। इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड समटाइम्स इवन सब्सिडीज। हाउ कैन नेशनल इनकम फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, तो क्या कर सकते हैं इसको, दिस नीड टू बी एडजस्टेड टू गेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। और इसको मगर इसको डिविड घटा दे इसे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। मतलब बात साफ साफ ये हुआ कि अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, नेशनल इनकम। क्या निकल कर आ जाएगा, नेशनल इनकम। तो काफी आसान भाषा में मैंने समझाने का कोशिश किया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, फॉर दिस फर्स्ट फाइंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कितने इनडायरेक्ट टैक्स आए, तो क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट फिर क्या हो जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या हो जाएगा, नेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या निकल जाएगा, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे क्या निकल हमारा जाएगा, नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो कॉमन नोन एज नेशनल। और हमारा जो फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, नेशनल। आयु समझ आपको आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एनएनपी जो निकाल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं कितना है, जो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो क्या क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कर देंगे, मतलब जितना हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आया है उसको सब्सिडी घटा देंगे, तो अल्टीमेटली वही तो बचेगा जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आया है। ओके, तो अगर हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसी को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, नेशनल इनकम। क्या कहते हैं हम लोग, नेशनल इनकम। दस नेशनल इनकम दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम जीडीपी यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला, मतलब
आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो एन आई क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आप इसे याद रख सकते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर अगर समझ के याद रखेंगे तो आपको सारा कुछ आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो डिफरेंस अगर यहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अगर दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कल मैंने बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना, तो ज्यादा जरूरत नहीं है। और मेनली यही आपको जो समझना था कि आपको कैसे निकालेंगे, मेनली आपको फोकस रखना है यहाँ पे कि नेशनल इनकम कैसे निकलेगा आपका। तो इससे आप जो है यूज करके आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, उसको हम बात बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।